हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मीरा टिप चैनल। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक गमला में पालक है। इस पालक को मैं पहले से ही चूट के रखी हूँ, इसमें घास पत्ता नहीं है। तो आज मैं इसी पालक से बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने वाली हूँ, वो भी इससे, पालक और बैंगन आलू टमाटर का। तो सबसे पहले आपको पालक को चुन लेना है। चुनने के बाद साफ पानी से धो लीजिए, या फिर मिट्टी वगैरह नहीं है तो आप उसको काटने के बाद धो लीजिए। मैं पालक को पहले काट लेती हूँ। तो देखिए मैं पालक को काट ली हूँ। अब मुझे पालक को इस गमले में उठा लेना है। देखिए बैगन भी कटा गया। अब मुझे काटना है आलू। आलू को पहले छिलका उतारना है। तो देखिए सब्जी कटा गया है। अब मैं ये सब्जी को तलाई में रखूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं साफ पानी से पालक को धो करके एक थाली में ले ली हूँ। और यहाँ पे देखिए इस तलाई में मैं धो करके आलू बैगन रख ली हूँ। अब चलिए फटाफट चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए मैं गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई गरम होने के लिए। जब कढ़ाई गरम हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। कढ़ाई गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। देखिए तेल गरम हो गया है, अब मुझे इसमें डाल देना है थोड़ा सा, आधा चम्मच के लगभग पचफोरन। देखिए पचफोरन लाल हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी 4 खड़ा लाल मिर्च। मिर्च को थोड़ा सा चला देना है कि अच्छे से मिर्च लाल हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी आलू बैंगन कटा हुआ। आलू बैंगन डालने के बाद इसको अच्छे से चला देना है। अभी मैं इसको 5 मिनट तक अच्छे से भूनने दूंगी आलू बैंगन को, इसलिए ढकना जरूरी है, ऐसे प्लेट से ढक देना है। और यहाँ पे देखिए 1 गांठ लहसुन का छिलका मैं उतार के प्लेट में रख ली हूँ। तब तक मैं लहसुन को अच्छे से कूट लेती हूँ। चलिए देख लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो गया है, आलू बैंगन अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें डालूंगी साग। साग डालने के बाद साग को अच्छे से चला देना है। नहीं चलता है तो इसे छोड़ दीजिए, थोड़े ही देर में साग गल के एकदम कम हो जाएगा, आधा कढ़ाई आ जाएगा। अब मुझे इसमें डालना है लहसुन कुटा हुआ। और यहाँ पे देखिए ढेर सारा हरी मिर्च को डाल देना है बारीक काट के। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी जरा सा हींग। अब सभी मसाले को डाल के अच्छे से चला देना है। अभी मैं इसको प्लेट से ढक के पकाऊंगी, तब जल्दी से आलू बैंगन पकेगा। तो अब चलिए देखते हैं साग कहाँ तक गला। साग गल के एकदम आधा कढ़ाई हो गया है, यानी सभी सब्जी गल के आधा कढ़ाई हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच नमक। आप भी अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। नमक डाल के अच्छे से चला देना है। मैं फिर से प्लेट से ढक के इसको पकने दूंगी। चलिए फिर से देखते हैं कि सब्जी कहाँ तक बना। यहाँ पे देखिए अभी भी सब्जी में पानी है। एक बार आलू देखते हैं, आलू कच्चा तो नहीं है। तो देखिए आलू एकदम से पक गया है, आलू बैंगन कच्चा नहीं है, बस इसमें पानी है, इसी पानी को सुखाना है। तो मुझे क्या करना है कि प्लेट से अब नहीं ढकना है, अब मैं बिना प्लेट के ढाके ही कुल्ला में ऐसे पकाऊंगी कि जल्दी से इसका पानी जल जाए और सब्जी एकदम सूखा बन के तैयार हो। यहाँ पे देखिए पानी इसमें का एकदम सूख गया है। मुझे इतना गीला ही रखना है सब्जी, क्योंकि चावल से खाना है। अगर मैं एकदम सूखा कर दूंगी तो चावल से खाने में मज़ा नहीं आएगा, बस वो रोटी से खाने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा गीला ही सब्जी रखी हूँ।
ज़्यादा गीला नहीं है, बस थोड़ा सा गीला है। अब मुझे करना है गैस को बंद। आलू बैंगन पालक टमाटर की सब्जी टेस्टी टेस्टी बनके एकदम तैयार है। तो आपको ये पालक की सब्जी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सब्जी की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।